Yes, as yesterday we had discussed about the last fluid connective tissue, and now we started fluid connective tissue. So in this fluid connective tissue, I told you it is broadly divided into two types, that is blood and lymph, right? So differentiate between blood and lymph. What are the main differences between blood and lymph? What will blood do and what is the color and all that? What is blood? It's a red in color. And lymph is yellow in color. Now the red color is due to the presence of फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. लास्ट वाला कर रहे हैं ना, स्केलेटल हो गया था फ्लूइड. फ्लूइड में दिस इज ब्लड एंड लिम्फ. तो ओनली डिफरेंस वी विल डू इट रेड इन कलर, दैट इज येलो. द रेड कलर इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट एंड इन दैट केस हीमोग्लोबिन इज एबसेंट. I am writing HB only. ठीक है, hemoglobin is lymphatic system. Then blood, that is having the, what are the main components of the blood? ठीक है, there are the four main components: RBC, WBC, platelets and plasma. WBC visible हो रहा है. And lymph is made up of two components. It is having the two components, WBC and plasma. और क्या करता है ब्लड? ऑक्सीजन एंड फूड, दैट इज द एसेंशियल कॉम्पोनेंट थ्रू आउट द बॉडी. राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. Transport or carry essential components like oxygen and all, essential food, oxygen, essential components. Through, वो अलग है, बताती हूँ. Throughout the body. And here, lymph carries the waste material. Waste materials are carried by lymphs. ठीक है जी. और ब्लड के अंदर मोर प्रोटीन्स इज प्रेजेंट, वहां लेस प्रोटीन होती है. Or any other point? Blood is having lesser fat, lymph is having more fat in it.
दिस इज व्हाट अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एरियोलर, एडिपोज, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल एंड फ्लूइड टिश्यू, राइट. नाउ द लास्ट एनिमल टिश्यू वी विल डिस्कस, दैट इज द नर्वस टिश्यू, या हम उसको नर्व, हाँ ठीक है, सो वी विल डिस्कस दैट वन. We will not discuss in that detail. Otherwise, so there is like the PNS and the CNS, but that is not mentioned in your book. PNS is like that, the peripheral nervous system and the central nervous system. We will not discuss that one. ठीक है? हम लोग करेंगे simply last है हमारे पास nervous tissue. That is very important. कैसे? If anything you will any मैसेजेस हो गया, अगर हमारी जो बाहर से टॉर्च आईज में मारेंगे, वी विल क्लोज आर आईज, प्रिक करके कोई चीज, वी विल कीप आर हैंड आउट लाइक बैक करेंगे, तो व्हाट इज दैट, दैट इज रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई. स्टिमुलाई मींस द बाहर का कोई भी रिएक्शन, उसके लिए एक्शन, उसके लिए हम जो रिएक्शन शो करते हैं. हाँ जी, वहां तक मैसेज आएगा. सो व्हाट वी विल राइट डाउन, द अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड. So write down the ability to respond to stimuli. Ability to respond to stimuli. जब हम respond करते हैं stimuli के, that is present in all over the body, like in all living organism. ठीक है, ability to respond to stimuli is present in all living organism. सिंपल है ये, प्रेजेंट इन ठीक है जी. अब यहां पे है क्या कि जो सेल्स हैं, नर्वस टिश्यू के जो सेल्स हैं, दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड. वो मैसेज को यहां से वहां तक लेके जाने में हेल्प करते हैं. दे हेल्प इन द स्टिमुलेटिंग द मैसेजेस फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अदर पार्ट. ठीक है, फिर उसमें हमारे पास जो नर्वस टिश्यू है, इट इज हैविंग द मेन टू पार्ट. You can say the brain, spinal cord as well as the nerves. तीन चीजों का mainly बना है, brain, spinal cord and nerves. इनके जो मतलब ये nervous tissue बनाते हैं, जो इनके cells होते हैं, इनका एक special name हम बोलते हैं, that is called nerve cell or neuron. ठीक है, तो जो cells हैं इसके, you can write down cells of, लिख लो इतनी सी चीज, largest होता ही है हमारी body में, cells of nervous tissue जो होते हैं, these are called नर्व सेल और न्यूरॉन. हाँ, वो बनाने लगे हैं न्यूरॉन. ठीक है जी, इट इज डिवॉइड ऑफ मैट्रिक्स. नर्वस टिश्यू जो होता है उसमें मैट्रिक्स नहीं होता, इट इज डिवॉइड ऑफ मैट्रिक्स, राइट. सो यू कैन राइट डिवॉइड ऑफ मैट्रिक्स ऑल्सो. लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी. ठीक है जी, इतना हो गया. अब नर्व सेल जो है, दैट इज हैविंग, अगर हम डायग्राम बनाए तो वी ऑलरेडी डिस्कस इन द 8th क्लास आल्सो, मेनली इन टू पार्ट्स, साइटोन एंड एक्सोन. ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट. दिस इज लॉन्गेस्ट, नहीं डायग्राम बना लो, फिर मैं साथ साथ ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. आता है वैसे आपको डायग्राम, राइट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड, दिस पार्ट इज कॉल्ड साइटोन एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सोन.
ठीक है, वो बनाने लगी हूँ। ठीक है, दिस इज हैविंग अ न्यूक्लियस एंड द आउटर बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड निजल ग्रेन्यूल एंड द साइटोप्लाज्म दैट इज प्रेजेंट इन इट, दिस इज कॉल्ड बिकॉज इट इज अ नर्वस, तो वी कैन से न्यूरोप्लाज्म, द वर्ड वी कैन यूज इट ओवर हियर दैट इज द न्यूरोप्लाज्म बिकॉज द साइटोप्लाज्म, नो डाउट दिस इज द साइटोप्लाज्म but as it is connected to the nerve cell or neuron, so that is why we are saying the neuroplasm, right? Now you will make a square bracket over here, theek hai, ठीक है जी। अब यहां पे ये जो अंदर वाली चीज है ना, ये वाली, ये थोड़ी डार्क होती है, माइलिन शीथ होती है, यहां पे माइलिन शीथ नहीं होती, जो सेंटर वाला पार्ट है जिसको हमने नोड ऑफ रणवीयर करा था, इन दोनों के बीच वाला जो स्पेस है दैट इज नोड ऑफ रणवीयर, यहां पे नहीं होती, यहां पे दिस इज द माइलिन शीथ। अच्छा, अब ये जो चीज है ना शेवन सेल, ये इस एक्सोन के आसपास घूम रहे हैं, मतलब ये ऐसे लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया एक्सोन, एक्सोन है और ये बीच में आसपास क्या है शेवन सेल, सो द न्यूक्लियस शुड बी ऑन वन साइड, इधर यू विल मेक इट हेयर और हेयर, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में वी आर प्रेजेंटिंग इट ऑन अ पेपर, सो हम इधर उधर दोनों तरफ न्यूक्लियस नहीं बनाएंगे, इट इज इन द सर्कुलर फॉर्म, तो यहां बना लो चाहे या यहां, मतलब वन साइड, गेटिंग माय पॉइंट, इट इज मूविंग अराउंड, शेवन सेल इज अराउंड इट, हाँ जी बेटे, हाँ मीटर्स में होती है इसको। अब दिस इज साइटोन और अ सेल बॉडी, ठीक है, दिस इज अ साइटोन और अ सेल बॉडी, इसमें अब हमारे पास सेल बॉडी में हमारे पास मैंने बता दिया न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द न्यूरोप्लाज्म, इट इज हैविंग द डेंड्राइट्स है, इसके डेंड्राइट्स हैं, ऑल दैट पार्ट्स है, बट इसके अंदर नियोफिब्रिल्स और हमारे पास निजल ग्रेन्यूल होते हैं, व्हाट दे विल डू, जो नियोफिब्रिल्स होते हैं दीज आर वेरी फाइन फाइबर्स, इसके अंदर फाइन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं दैट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स, इम्पल्स मतलब आपको कोई भी मैसेज आया उसको आगे ट्रांसफर करने का काम जो होता है वो फाइबर्स करते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स करते हैं, जो इसके निजल ग्रेन्यूल है दीज आर राइबोसोम कंटेनिंग द स्ट्रक्चर, दीज आर राइबोसोम कंटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं, निजल ग्रेन्यूल्स में राइबोसोम्स होते हैं, दीज कंटेनिंग द राइबोसोम स्ट्रक्चर, ठीक है, लिख लो लेबलिंग, दिस इज डेंड्राइट्स, दिस इज निजल ग्रेन्यूल, न्यूरोप्लाज्म, वी कैन राइट द साइटोप्लाज्म बट आई एम जस्ट टेलिंग इट इज अ न्यूरोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस रह गया वो कर लो, देन शेवन सेल, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ शेवन सेल हो गया, दिस इज माइलिन शीथ, this is myelin sheath, then this is node of Renvier, exoplasm, nerve ending, synaptic node, साइनेप्टिक नो, ठीक है,
अब जो डेंड्राइट्स हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर द स्मॉल ब्रांच्ड होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी है, दे पोजेस द नियोफिब्रिल्स, यानी कि मैसेजेस को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, इम्पल्स एंड ट्रांसमिशन को स्प्रेड. एक्चुअली में होता कैसे है, मैंने शायद पिछली बार भी बताया था कि जैसे ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, ये आपका एक मतलब हो गया, ये डेंड्राइट्स हैं, है ना. अब यहाँ पे जैसे ये हमारे पास, अगर मैं एंड पॉइंट से देखूं तो ये साइनेप्टिक नोब्स जो है यहाँ पे, ये दूसरी डेंड्राइट, मतलब ये डेंड्राइट्स इसके साथ जो है वो लग जाते, मतलब यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यहां से इंपल्स इसके पास आते हैं, एंड डेंड्राइट्स विल कैरी दैट इंपल्स, फाइबर्स विल कैरी दैट इंपल्स एंड ट्रांसफर टू द बॉडी, एंड देन इट मूव्स ऑन फर्दर. मतलब एक डेंड्राइट्स एक एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट्स के साथ ज्वाइनिंग होती है, फिर अगले के साथ ये चेन बनती जाती, एंड द मैसेज इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन टू द अनदर. ठीक है बेटे, फंक्शंस लिख लो इसके. एक्सॉन भी लिख लो चाहे लिखना है तो, कि एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कैरीज इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. एक्सॉन इज अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कैरीज इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. देन राइट डाउन द फंक्शंस. It provide responses to all types of stimuli. It provides ठीक है, इट कंट्रोल्स ओवरऑल बॉडी एक्टिविटीज. दैट्स ऑल, चैप्टर कंप्लीट.